नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएच न्यूज़। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, नीमच मंदसौर जिले में 4 विधानसभा सीटों के भारतीय जनता पार्टी द्वारा उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, जिसकी सूची भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी की गई है, जो 1 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की एक बैठक संपन्न हुई थी, जिसमें 57 मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों का चयन किया गया है, जिसमें नीमच मंदसौर जिले की भी 4 सीटें शामिल हैं, जिसमें नीमच जिले की जो जावद विधानसभा है वहां पर जो कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश अखलेचा थे उन्हें एक बार फिर मैदान में उतारा गया है। इसके साथ ही मंदसौर जिले की जो मंदसौर विधानसभा सीट है उस पर यशपाल सिंह सिसोदिया को एक बार फिर मौका दिया गया है। उसके साथ ही जो सुवासरा विधानसभा सीट है वहां से हरदीप सिंह डंग, जो कि सिंधिया खेमे से आते हैं और वह मंत्री भी हैं, उन्हें एक बार फिर पार्टी ने मौका दिया है और मैदान में उतारा है। उसके साथ ही मलारगढ़ जो विधानसभा सीट है वहां से जो वित्त मंत्री हैं जगदीश देवड़ा, उनको भी पार्टी ने एक बार फिर मौका दिया है। इस तरह नीमच और मंदसौर जिले की 4 विधानसभा सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, जो इस वक्त की बड़ी खबर है, 57 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जिसकी सूची आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी की गई है। अब नीमच जिले की बात करें तो नीमच विधानसभा और मनासा विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी कितने दिन में घोषित करेगी, यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बताया जा रहा है कि नीमच और मनासा विधानसभा सीट पर उम्मीदवार पार्टी को बदल सकती है। जी हां, इसलिए इस नीमच और मनासा विधानसभा सीट को होल्ड रखा गया है और जो जावद विधानसभा है वहां से कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा को उतार दिया गया है। हालांकि